नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं ऑफिशियल रूम। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप किसी भी वीवो के फोन में से आप आसानी से FRP लॉक को इजीली रिमूव कर सकते हैं विदाउट APK, विदाउट मतलब आप किसी भी सिम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको APK फाइल की ज़रूरत है, ना ही आप किसी वेबसाइट पर डायरेक्टली आप बहुत ही आसानी से 2 मिनट के अंदर इसमें से FRP लॉक को इसलिए रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देखते हैं, हमें नॉट साइन इन का ऑप्शन आया तो नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, हमें पहले अपने फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो मैंने आपको दिखाने के लिए अपने फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट नहीं किया था, अब मैं फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट करूँ। सो ठीक है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं हमारा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है हमारे फोन से। उसके नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट करने के बाद डू नॉट कॉपी कीजिए। डू नॉट कॉपी करने के बाद जैसे ही आप चेकिंग इन्फो करेगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे वेरिफिकेशन योर अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप बैक कर लीजिए। बैक करने के बाद आपको सेटअप पे क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट ऑफ के बटन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, फिर आपको वाईफाई को फॉरगेट कर देना है। वाईफाई को फॉरगेट करके फिर से आप नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, फिर से नेक्स्ट कीजिए, स्किप कर लीजिए ऊपर से। स्किप करने के बाद फिर से आप वही प्रोसेस सिंपली कीजिए, और जहां पर आपको पैटर्न लॉक या फिर फिंगरप्रिंट्स ऐड करने का ऑप्शन आता है, जैसे फिंगरप्रिंट और फेसबुक फेस लॉक ऐड करने के लिए आ रहा है, तो वहां पे आप जाके आपको पहले अपना पिन सेट कर लीजिए, चाहे आप तो पैटर्न सेट कर लीजिए, जैसे कि मैंने पैटर्न सेट कर लिया। उसके बाद आप यहां पे कुछ भी क्वेश्चंस पूछेगा तो मैंने कुछ भी क्वेश्चंस में कुछ भी लिख दिया। यहां फिंगरप्रिंट्स मांग रहा है तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो इसको कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं मैं यहां पे अपना फिंगरप्रिंट ऐड कर रहा हूं। ओके, हमारा फिंगरप्रिंट भी ऐड हो चुका है। सिंपली आपको सबसे बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको अपने फ़ोन को फिर से वाईफाई से कनेक्ट करना है, तो चलिए कर लेते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देखते हैं हमने अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लिया, फिर आपको डू नॉट करना है। अब जैसे चेकिंग फॉर अपडेट और चेकिंग इन्फो करेगा तो आपको यहाँ देख सकते हैं पैटर्न लॉक शो कर रहा है, फिर आपको वही जो आपने पैटर्न लॉक सेट किया था वही पैटर्न लॉक आप यहाँ पे डाल दीजिए और आपका फ़ोन जो है FRP से छुटकारा हो जाएगा, मतलब FRP हट जाएगी आपके फ़ोन से। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारा फ़ोन में से जो FRP लॉक है यहाँ पर रिमूव हो गया है। स्किप के बटन पे क्लिक करना है, फिर स्किप कर लीजिए। जो भी आपके फ़ोन की कॉन्फ़िगरेशन है आप उसे कंप्लीट कर लीजिए। इसी मेथड का यूज़ करके आप बहुत सारे वीवो के फ़ोन में से FRP लॉक को विदाउट APK आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ये फ़ोन अनलॉक हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।